हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अचानक भावुक हुए अमित शाह ने क्यों कहा, हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे शायद। हैं, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं किस बात पे इसे बोलना पड़ा कि हम तो उस दुनिया उस टाइम पे होंगे ही नहीं शायद। या तो पीओके से रिलेटेड बात हो रही है या कुछ और हो रही है, मुझे तो वो देखना है। चलो देखें। जिस शाह के तेवर से विरोधियों के छूट जाते हैं पसीने, उस तेज तर्रार नेता का दिल आखिर क्यों भर आया? शाह ने क्यों कहा हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे शायद? पीएम मोदी के लिए आखिर शाह क्यों हो गए इमोशनल? ओह, कुछ और ही हुआ लगता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए धीरे धीरे 10 साल पूरे होने वाले हैं और इन 10 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि ये देश देख चुका है कि भ्रष्टाचार से घिरी मनमोहन सरकार को किस तरह से जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन मोदी सरकार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्ता में 10 साल पूरे होने के बावजूद मोदी सरकार के विरोध की बजाय समर्थन में जबरदस्त लहर चल रही है और इसी लहर के दम पर पीएम मोदी अब की बार 400 पार सीटें जीतने का दम भर चुके हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी सरकार के काम के दम पर देश की जनता से 400 पार सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मोदी के मिशन 400 पार को सफल बनाने में जुट गए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह तो तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए इस कदर जी जान से जुटे हुए हैं कि एक टीवी कार्यक्रम में इमोशनल होते हुए कह दिया, हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे शायद। लेकिन इतना याद रखना, 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा तो ये भारत हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। शाह TV9 भारतवर्ष को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, मैं बड़े ही विश्वास के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं कि तीसरा टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, हम तो शायद नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन युवा लोग याद रखें कि 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होंगी। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद वाली पार्टियों को मत लाइए। उस पार्टी को चुनिए जो देश का भला चाहती है, दल का भला नहीं चाहती है। उस पार्टी को चुनिए जहां पर बूथ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उस पार्टी को चुनिए जहां कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है, गरीब चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी पार्टियों पर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं खुद की पार्टी बीजेपी को ऐसी पार्टी बताया जहां एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां पार्टी से पहले देश आता है। अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि बीजेपी नेता ने मोदी के समर्थन में देश में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। किसी भी तरह से बीजेपी इस बार 400 पार सीटें जीतना चाहती है और इसके लिए पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह जैसे नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई देश की जनता इस बार मोदी सरकार को 400 पार पहुंचाएगी या फिर इंडिया का गठबंधन सत्ता में आएगा। अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं।
अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। अच्छा, निकाल लिया, क्या है उसमें? मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। बिल्कुल, ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था, देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। वाह, मोदी जी को मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और जो वो जो इंडी गठबंधन जो है, उन्होंने ऐसा मौका दे दिया है अब मोदी जी को, बीजेपी को, कि अब जो लोग हैं वो और मोदी जी के साथ हो जाएंगे। और मोदी जी तो सिर्फ 400 पार बोल रहे हैं ना, इन लोगों के INDIA के वजह से अब वो 400 पार नहीं 500 पार हो जाना है, क्योंकि उन वो ऐसे ऐसे जैसे बोल रहे हैं ना, मोदी जी भी बोल रहे थे कि अब वो बौखला चुके हैं, कि उनको अब दिख रहा है कि भैया हमारी हार तो पक्की है, तो वो उस बौखलाहट में ऐसी ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं जिसको यूज करके अब मोदी जी दिखा सकते हैं कि देखो इनका, इनको देखो और मुझको देखो। और मोदी जी ने वैसे तो बोलना नहीं था ये सब, अब क्योंकि उन्होंने बोला है तो अब वो बता रहे हैं कि भैया मैं रात को भी काम करता हूं तो आप लोगों का मैसेज आता है, मेरे परिवार आप सब हो। कल को ये बोल देंगे कि मोदी जी को, मेरे को, कि भैया क्योंकि मैं कभी जेल नहीं गया इसलिए मैं इलेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये लोग तो चोर चक्के हैं, सारे जेल जा रहे हैं और अगर नहीं गए तो बड़ी जल्दी जाने वाले, फंसे पड़े केसों में। तो उनको वो बोलेंगे भैया कभी किसी केस में नहीं फंसा तो भैया मोदी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। तो वही दिखा रहे, मजाक उड़ा रहे उनका, उन्होंने मौका दिया और बहुत अच्छी बात है, इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और यही हेल्प करेगा INDIA, यही हेल्प करेगा मोदी जी को 500 पार कराने में। देखिए मोदी यही बता रहे थे कि अगर जैसे घर के लोग बोलते हैं ज्यादा काम ना करो, वैसे जनता बोल रही है तो जनता ही मेरा परिवार है। वही तो सब कहते हैं, ये भी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे कि मैंने घर छोड़ा था क्योंकि मेरा देश पूरा घर बनेगा। एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा बता रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं कि देखो मैं डेडिकेटेड हूँ और आज तक ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं, जिस तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ तुम नहीं कर पाते, तुम्हारे में परिवारवाद है, तुम जो हो करप्ट हो, तुम्हारा इंडी अलायंस बना इसलिए था क्योंकि सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए तो ये हाल हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं मोदी जी, मज़ा आ रहा है उनका, उनकी उनकी और थोड़े इमोशनल भी हुए हैं तो ये सुन के कि जो उन्होंने बकवास की है उससे लोग जो है मोदी जी को और वोट देंगे। जरूर देंगे। अरे जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, आगे पीछे कोई नहीं है, बाकी लोग तो अपने बच्चों की जिंदगियां बनाने के लिए, उनको उनको उनकी लाइफ सेट करने के लिए कुकर्म करते, करप्शन करते, मोदी जी के ना आगे ना कोई पीछे, वो सिर्फ देश के लिए करें, इससे बेटर कैंडिडेट देश के लिए कौन हो सकता है बताओ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।